क्रम में गोवा के हर बूथ से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भाई और बहन आया है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, सभी लोग हाथ उठाएंगे, विजय की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गोवा के दिग्गज नेता, भूतपूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री भाई मनोहर पर्रिकर जी, हमारे गोवा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विनय तेंदुलकर जी, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान विजय पौराणिक जी, केंद्रीय मंत्री और गोवा के प्रमुख नेता भाई श्रीपद नायक जी, गोवा के स्पीकर प्रमोद सावंत जी, यहाँ के सांसद श्री नरेंद्र सवाईकर जी, गोवा सरकार में मंत्री नरेश कबरील जी, हमारे एक्स एमएलए दयानंद मंडारकर जी, हमारे एक्स एमएलए राजेंद्र अरलेकर जी, गोवा सरकार में मंत्री मिलिंद नायक जी, विश्वनाथ राणे जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत परसेकर जी, गोवा सरकार के मंत्री मोविन जी, हमारे डेप्यूटी स्पीकर मिखाइल लोबो जी, और आज इतने छोटे प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता ऐसे मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, अभी अभी हमने मनोहर पर्रिकर जी को सुना। इतनी अस्वस्थता होते हुए भी मैं अभी उनके घर पर गया था। मैंने कहा पर्रिकर जी चलेगा, हम मैं सब नेता है यहां पर। उन्होंने कहा कि मेरा कार्यकर्ता आया है, दो मिनट तो दो मिनट, मैं सबके साथ बात कर जाऊंगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, इसका पार्टी के लिए किस प्रकार की निष्ठा होती है, इसका अगर उत्कृष्ट उदाहरण जो देखना है तो हमारे पर्रिकर जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो आदर और प्रेम है वो उसका उत्कृष्ट उदाहरण। आज हम यहां पर 2019 के चुनाव की तैयारी के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा गोवा प्रदेश इस बार फिर से एक बार दो सीटें मोदी जी की झोली में डाले, इसका संकल्प करने के लिए हम सब कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। मित्रों, 2019 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम के क्षेत्र से बढ़ती बढ़ती मध्य, उत्तर और नॉर्थ ईस्ट तक पहुंची है, और इस बार चुनाव की मतगणना देख लेना, 16 राज्यों में हमारी सरकार है। इस चुनाव के अंदर बंगाल और ओडिशा भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाला है। मगर भारतीय जनता पार्टी का कारवा, हमारी ये विजय यात्रा दक्षिण तक, हिंद महासागर तक, विवेकानंद जी की मूर्ति तक पहुंचानी है, तो 2019 का चुनाव जीतना, मोदी जी का फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनना बहुत जरूरी है। इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, मगर भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है जो भारत के 50 करोड़ गरीबों के घर के अंदर सुख बेचकर गरीबों को जीवन स्तर ऊपर उठाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी है जो देश की सीमाओं को सुरक्षित कर सकती है, देश की संस्कृति का ध्वज दुनिया के अंदर फहराने का काम
ये भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं कर सकता। और किसके बीच में मुकाबला? एक और भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ने के लिए सज खड़ी है, और दूसरी ओर एक गठबंधन बना है जिसका कोई ना नेता है, ना नीति है, ना कोई सिद्धांत। मैं यहां से कहना चाहता हूं देशवासियों को, ये गठबंधन जो मोदी जी के खिलाफ लामबंद बनकर खड़ा है, जरा देश की जनता इनको पूछे, गोवा की जनता पूछे कि आपका नेता कौन है। मैं बताऊं आपको, जरा बोलो कार्यकर्ता भाइयों, बताऊं क्या? अरे जोर से बोलो तो ही बताऊंगा, बताऊं क्या? अगर ये लोग जीते तो सोमवार को मायावती जी प्रधानमंत्री होगी, मंगल को अखिलेश होंगे, बुधवार को देवगौड़ा जी होंगे, गुरुवार को चंद्रबाबू नायडू होंगे, शुक्रवार को स्टालिन होंगे, शनिवार को शरद पवार होंगे, और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। इस प्रकार का नेतृत्व दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा सकता है क्या? इस प्रकार का नेतृत्व दुनिया में भारत को गौरव दिला सकता है क्या? इस गठबंधन की सरकार है, दुनिया में भारत को गौरव नहीं दिला सकती। दुनिया में भारत को गौरव दिलाने का काम, दुनिया में भारत को महासत्ता करके प्रस्थापित करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए 2019 का चुनाव हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, यहां पर अभी अभी परिकर जी गए हैं, मैं गौरव के साथ कह सकता हूं परिकर जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने इस देश की सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया है, मजबूत करने का। 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, और वो सरकार देश की सुरक्षा के प्रति लापरवाह सरकार थी, देश की सुरक्षा के प्रति लापरवाह सरकार थी। हर रोज कई जाने कितने आतंकवादी देश के अंदर घुसते थे और बम धमाके कर चले जाते थे, कोई सूद नहीं लगता। सेनाओं का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, सेना का कंप्यूटराइजेशन नहीं हुआ, सेना की सूचना व्यवस्थाएं, संचार व्यवस्थाएं जस की तस पड़ी थी। नरेंद्र मोदी सरकार बनी, उस वक्त परिकर जी भी रक्षा मंत्री बने और सेना के आधुनिकीकरण का एक बड़ा प्रोग्राम हाथ में लिया, और आज अभी नरेंद्र मोदी जी ने बजट पेश किया है, हमारे वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी ने बजट पेश किया है, 3 लाख करोड़ रुपया भारत का रक्षा बजट कर आज तक आजादी के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मोनी बाबा मनमोहन की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, हर रोज पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे, आलिया मालिया जमालिया जिसको आना था वो घुस जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था भैया, कोई पूछने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उरी के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे 12 लोगों को जिंदा जला दिया गया, पूरे देश भर के अंदर एक प्रकार से निराशा और हताशा का भाव था कि अब क्या होगा। परिकर जी भी उस वक्त रक्षा मंत्री थे, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, मोदी जी ने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया और सेना के रणबांकुरे 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे जवानों का बदला लेकर वापिस आ गए। और मित्रों, एक ही कदम से दुनिया को, भारत देश को देखने का नजरिया बदलना पड़ा। अब तक दुनिया में 2 ही देश थे जो अपने जवानों के खून का बदला लेते थे, अमेरिका और इजराइल।
ये दो देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके महान देश भारत का जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, हमने देश के अंदर एक विकास करने वाली सरकार देने का काम किया है। गोवा के लिए जहां तक बात करें, गोवा के लिए सबसे बड़ी समस्या थी गोवा की कनेक्टिविटी की। मांडोवी और जुआरी, ये दो नदियां गोवा के बीच में से बहती है। मांडोवी नदी पर अटल सेतु, लगभग 4 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाकर गोवा के दो टुकड़ों को जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।